क्या हो रहा है ये सब? ये कह रहे हैं कि ये इनका घर है, तुम्हारा नहीं। यही सच है, और ये भी सच है कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं। तुम मेरे भाई को यहाँ आने से मना कर रहे हो? तुम्हारी मेरी यही बात हुई थी ना कि तुम अब अपनी फैमिली से नहीं मिलोगी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। मेमोरी वीक हो गई है मैडम आपकी, ख्याल किया कीजिए। शादी के पहले दिन ही हमारे बीच ये बात हुई थी कि अब आप अपनी फैमिली से नहीं मिलोगी, और अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि इसीलिए आपने अपने इस भाई को अपनी शादी में नहीं बुलाया था। मेरी मर्जी, जब दिल चाहेगा जिससे दिल चाहेगा मिलूंगी, और तुम मुझे मेरे भाई से मिलने से रोक नहीं सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम बर्दाश्त करोगी। वजह तुम भी जानती हो, मैं भी, and I'm really sure कि ये भी। कैसे बर्दाश्त करती हो इसे? देखिए, एमएल की तस्वीर है। जी बाबा। दिखाओ जरा मुझे, मैं भी तो देखूं। कितनी प्यारी, माशाल्लाह। ओहो माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी। तुम्हें तो बहुत याद आती होगी, तो जाओ मिल आओ ना इससे। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं कॉल करके आती हूँ। सुनो, नाराज हो तुम तावर से? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी उनसे? बेटा, मियां बीवी में तो थोड़ा बहुत ऐसे तनाव हो ही जाता है ना, उसमें इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? जाके मिला। पापा, मैं जो कर रही हूँ अमल के लिए कर रही हूँ, उसकी बेहतरी के लिए। अभी बच्ची है, एडजस्ट हो जाएगी। और वैसे भी तावर बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत ख्याल रखते हैं उसका, मुझसे भी ज्यादा। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। तावर और मेरे बीच में जो तकरार और तनाव होता है, उससे अमल की शख्सियत पर असर पड़ेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। देखो, मुझे लगता है तुम दावर को बिल्कुल गलत समझ रही हो। वो दलत से बहुत मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल फुप्पो जैसा है, बस फर्क ये है कि फुप्पो अपनी बात सबके सामने कह देती है और दावर अपने दिल में रखता है। बाबा, वो हम सबसे नफरत करते हैं और वो माहम का बदला हम सबसे लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि तुम उसको पहचान ही नहीं सकी। बाबा प्लीज, आप दावर से मिलें, बात करें, उन्हें अच्छा समझें, लेकिन प्लीज मुझे मजबूर नहीं करें। ठीक, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है।
तुम्हारा भाई ठीक आदमी नहीं है वैसे। मैं अच्छी तरह से जानती थी तुम यही कहोगे, और अब तुम ये कहोगे कि मुझे उससे मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं उससे मिलूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं। ओ वाह, तुम मेरे फायदे के बारे में कब से सोचने लगे? माहम, वो घर के सामान में घुस रहा था, मुझे लगा कहीं चोरी ना कर ले। वो मुझे बता चुका है कि वो घर की चीजें चेक कर रहा था और तुमने उसे देख लिया, और वो मुझे ये भी बता चुका है कि तुम मुझे उससे मिलने से मना करोगे, और देखो एग्जैक्टली वही हो रहा है। यानी कि बिगड़े नवाब काफी तेज है। तुम फिक्र नहीं करो, वो जैसा भी है मेरा भाई है। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हें अपने बहन भाइयों से कब से मोहब्बत होने लगी? ऐसे क्या देख रही हो? ठीक ही तो कह रहा हूं, रिजा को कॉल की कभी तुम? उसको तो तुमने यूज किया मुझ तक पहुंचने के लिए, और नवेरा उसको तो तुम सिरे से बहन मानती ही नहीं। वो दोनों तो फिर सगी, और ये सौतेला, तो इस पर कैसे भरोसा कर रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खुद पर इतना भरोसा करना चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है ना कि मेरे 5 करोड़ तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लग रहा है, झूठ मत बोलो। खैर, अब मेरा भाई मेरे साथ है। तो तुम अकेली अपनी मर्जी से रह रही हो? मैंने तुम्हें क्या कभी मना किया किसी से मिलने से? तुमने मुझे अभी तो बोला कि मैं उससे नहीं मिल सकती हूँ। तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें मशवरा दे रहा था। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे जिससे मिलना होगा मैं मिलूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें सांप पर तकिया करना है तो कर, जब वो गले में फंदा बनकर डसेगा तो रोना मत। ओ प्लीज शट अप। यू शट अप। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि मुझसे बदतमीजी से बात मत किया करो। दावर नाम नहीं है मेरा। जो करना है करो, सुधरने वाली तो तुम हो नहीं। बहुत अच्छा ख्याल रख रही हैं अमल का, शुक्रिया। मुझे काफी फिक्र थी कि नवेरा के जाने के बाद अमल को संभालना काफी मुश्किल होगा, लेकिन आसानी से भूल गई है नवेरा को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूली। अभी भी वीडियो कॉल पे नवेरा बीबी इन्हें लोरी सुना रही थी। जब तक अमल बीबी सो नहीं जाए इन्हें लोरी सुनाती रहती है, कहानियां सुनाती रहती है। बहुत ख्याल रखती हैं इनका, पल पल की खबर रखती हैं। जब तक बेबी सो नहीं जाए तब तक खुद भी नहीं सोती। आप किससे पूछ के रोज अमल की नवेरा से बात करवाती हैं? माफ कीजिएगा साहब, मुझे पता नहीं था। अमल बेबी तंग बहुत करती है, जब तक उनसे बात नहीं करती तब तक ये सोती भी नहीं है। Thank you.
मैं अभी बात करती हूँ ताहिर से, नवेरा को फौरन भेजे। ये क्या तरीका है भाई, अमल परेशान हो रही है। हाँ प्लीज फोन मत करें, प्लीज। वो नाराज होकर गई है और वजह मैं हूँ। दावर तुम कब तक ज़ाहिदा की बेटियों के ऐबों पर पर्दा डालते रहोगे? क्या हो गया तुम्हें? मुझे यकीन है कि गलती उसी की है। इस बार गलती मेरी है। छोटी सी बात थी, मैं उससे पूछ सकता था, लेकिन नहीं, मर्द हूं ना, अपनी अना का मसला बना के बैठ गया। खैर मैं अभी नवेरा से बात कर। अम्मी प्लीज, अभी आप इस बारे में किसी से कोई बात मत कीजिए। मुझे अपने आप से चंद सवाल पूछने हैं, उनके जवाब मिल गए तो फैसला आसान हो जाएगा मेरे लिए। सोचा भी कैसे कि मैं कुछ गलत कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचें। तो तुम ही बता दो किसे क्या? मुझे नहीं बताना, आप बहुत स्मार्ट है ना, आप खुद ही समझ लें। नहीं तुम बताओ, खुद को समझती क्या आखिर? अमल की आया, इस घर में नौकरानी से ज्यादा हैसियत नहीं है मेरी, वरना मेरे साथ इस तरह का सलूक ना करते। ज्यादती तो तुमने की है उसके साथ, माँ का ताना देकर, कि अगर एक बहन ऐसी है तो दूसरी भी वैसी है। मैं आपको डिफेंड नहीं करूंगा मामू जान, अगर ये सच है, जिन हालात से मैं गुजरा हूं उसके बाद इंसान थोड़ा वहमी हो जाता है, लेकिन मैंने कभी नवेरा पे शक नहीं किया, फिर अपनी किस्मत पे भरोसा भी नहीं कर सका। उसकी खोज में लगा रहा तो सच तक पहुंच गया, वरना नवेरे ने तो कभी ना बताने की कसम खाई थी। इस वक्त वो बहुत नाराज है तुमसे, कह रही थी कि भले सारी दुनिया मुझे गलत समझे लेकिन दावर को ऐसा नहीं समझना चाहिए। पर गलती मेरी है, छोटी सी बात थी, मैं उससे पूछ सकता था, लेकिन नहीं, मर्द हूं ना, अपनी अना का मसला बना के बैठ गया। अभी आप इस बारे में किसी से कोई बात मत कीजिए। वो खोटा सिक्का जिसको आज तक घर में किसी ने अहमियत नहीं दी, वो मेरा मुकाबला करेगी, मेरे बेटे को परेशान किए जा रही है, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं रही है, कितनी मनमानी चलेगी। बस बहुत हो गया, इस घर में घुसने नहीं दूंगी उसे। यहां से जाने का फैसला उसका अपना था, और लाने का फैसला मेरा होगा,
वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। हेलो ड्राइवर, सब खैरियत है? हाँ मीर साहब, सब खैरियत है। सॉरी इस वक्त मैं तंग कर रहा हूँ। रिता से बात हो सकती है? रिता से? हाँ बिल्कुल हो सकती है। रिता जी, ड्राइवर। हाँ दावर बोलो। सॉरी तुम्हें इस तरह तंग कर रहा हूँ, तुमसे एक बात करनी थी। याद है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या भी मेरे दिल में मांग रहती है? मैंने पूछा खुद से सवाल। क्या जवाब मिला? यही है का ख्याल, उसकी याद, मुझे सिर्फ तकलीफ और दुख देती है। लेकिन जब अमल के पास होता हूं तो मेरा की कमी महसूस होती है। मुझे लगता है मेरा अमल के साथ हो तो खुशियां हमारे गिर्द अपना महवर बना लेंगी। सिर्फ मैं ही नहीं, घर के सब लोग उसकी कमी को महसूस कर रहे हैं। दावर मोहब्बत हर दफा ऐलान नहीं करती, बस चुपके से दिल में बस जाती है। और अनजाने में उस शख्स के होने का एहसास खामोशी से रूह में उतार देती है। फिर वही मोहब्बत इश्क का रंग बन जाती है। खबर हमेशा खुश रहो तुम और नवेरा। रिता एक कॉल आ रही है, मैं कॉल बैक करता हूँ। हेलो अमल का है? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, मेरा दिल घबरा रहा है। कैसी है अमल? अमल अपने कमरे में सो रही है। अकेले? नहीं नहीं, मेड उसके साथ है। मेड के पास? आप जाए, फौरन जाए उसके पास, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देखिए वो कैसी है। अच्छा मैं देखता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, मेरी गोद में सकता। शुक्र अल्लाह का, मैं ऐसे ख्वाब था वरना।
तुमने ख्वाब में देखा क्या था? मैं इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती, बस आप ये समझे कि अमल बहुत मुश्किल में थी। दावर आप वादा करें कि आप उसका ख्याल खुद रखेंगे और उसके मामले में कोई भी गफलत नहीं करेंगे। नानी जितनी भी अच्छी हो लेकिन आप उसे अपने पास सुलाएंगे, उसके पास नहीं। मैं भी तो यही कहता था। आपने फोन किया था, मैं बिजी थी, किस लिए फोन कर रहे थे आप? नहीं कुछ नहीं, अभी रात काफी हो गई, तुम सो जाओ, मैं कल बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। जी आप इसे अकेला छोड़ के कहाँ गई थी? वो साहब मैं वॉशरूम गई थी। किसी की सुपरविजन में छोड़कर जाया करें। जी। और आइंदा से अमल रात को मेरे पास होगी। हाँ, ये किसकी गाड़ी लेकर आए हो? दोस्त की गाड़ी है, आपकी घड़ी कहाँ है? घड़ी तो ये रही। हाँ, इसको सामने रखें और ये लें, ये हीरे की अंगूठियाँ पहने जल्दी से। ये अंगूठियाँ? अगले 2 घंटे के लिए समझे कि ये आपकी अपनी है, जल्दी पहने, माहम आ रही है। माहम? माहम यहाँ क्यों आ रही है? मुझे पैसे देने आ रही है। तुम माहम से पैसे ले रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो? ये नहीं हो सकता, तुम्हारे डैड ऑलरेडी मुझसे बहुत नाराज है, अब तो वो बात भी नहीं करते मुझसे। डैड की तो आदत है गुस्सा करने की, छोड़े आप उन्हें। ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी, सुन रहे हो तुम? टेंशन वेंशन नहीं लें आप, बस माहम आए तो सिर्फ प्यार जताइएगा और आपने कुछ नहीं कहना, ना ये बताना है कि डैड नाराज किस वजह से हुए हैं, ना ये बताना है कि बिजनेस में लॉस हुआ है, और ना ही ये बताना है कि ये घर गिरवी है। जाओ, जाओ। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए चले आप, आ जाए। मामा आप ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हें देखकर मुझे किस कदर खुशी हो रही है। कैसी हो, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। ये मेरी इतनी बहादुर बहन है, उस पे जुल्म और सितम के कितने मर्जी पहाड़ टूट जाएं, फिर भी कहती है मैं ठीक हूँ। बाबा कहाँ हैं? उनको बताया कि मैं आ रही हूँ? उनको पता चला तो बहुत नाराज होंगे मुझ पे। डैडी तो नहीं है घर पे? क्या मतलब, कहाँ गए, कहाँ भेजा है उन्हें? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमने उनको घर से निकाला हो। अरे वो इस घर के मालिक हैं, जब उनका दिल करेगा वो आएंगे, जब उनका दिल करेगा वो जाएंगे। आप फिक्र क्यों कर रही हैं, आते ही होंगे। आप अंदर चले ना। हाँ आओ। चले आओ। बाबा घर पे नहीं है?
कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगा। मुझे नहीं पता वो कब आएंगे। मैं हर काम से फ्री होके आया हूँ, मैं कर लूंगा इंतजार। तुम ऐसे क्यों डर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूं? मैं डर नहीं रही हूँ, मैं बाबा को फोन करके आती हूँ। थैंक यू। कल रात तुमने एक माँ की तरह मेरी बेटी की फिक्र की, मुझे अच्छा लगा। चाय पियेंगे? पी लूंगा, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। सुनो, परेशान हूं? नहीं। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अमल से मिल सकूं? बस एक बार। तुम्हें अब क्यों मिलना है अमल से? वो अगर आप, मेरा मतलब है अगर आप नहीं मिलवा सकते तो कोई बात नहीं है। मैं पता नहीं बाबा कहाँ चले गए, मैं बाबा को बुला के लाती हूँ। रुको, मुझे माफ नहीं करोगी? आपने मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? मुझे गलत समझा, मुझे गाली दी। नहीं, गाली नहीं दी। शक करना भी गाली के बराबर होता है। सर, आई एम सॉरी। जो सजा दोगी मैं पूरी करूंगा, मुझसे होगी गलती। बताऊं तो चले सो गया था, मुझे लगा कि मेरी लाइफ में कोई और है। डर गया था कि तुम भी अमल कर मुझे छोड़ दोगे। अमल को छोड़ना मेरे बस में नहीं है। अफसोस ये कि आपने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, और मैं इसे कभी नहीं दोहराऊंगा। क्या तुम वाकई अलग होना चाहती हो? खामोशी का मतलब हाँ और ना दोनों में हो सकता है। सिर्फ अमल के पास जाना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ, उसे छूना चाहती हूँ, उसके पास रहना चाहती हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, बहुत याद आती है मुझे उसकी। पर चलो मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि स्टॉक्स में इतना पैसा है। अरे आपने फिल्में देखी नहीं, आप फिल्में देखें तो आपको पता चले
के लोग स्टॉक में पैसा लगा के कितने अमीर हो चुके हैं। साफ सी बात है, डैड के पैसे मैंने स्टॉक में लगा दिए और उनको बुरा लग गया। क्यों? वो अब, असल में वो आपके डैडी की अब एज हो गई है ना, तो बेचारे से अकेले ऑफिस संभाला नहीं जाता और फिर रिस्क लेने से भी डरते हैं, तो इसलिए उनका ऑफिस एहाब ने बेचकर सारे पैसे स्टॉक्स में लगा दिए। इसलिए वो नाराज़ हो गए और घर छोड़ के चले गए। खैर, मैंने सोच लिया कि डैड को मैं एक महंगी घड़ी तोहफे में देके उनको वापस लेके आऊँगा। आपने मामा की घड़ी देखी? नहीं। अरे माँ, ये देखें, रोलेक्स लेके दिया पहले प्रॉफिट से, और ये डायमंड की अंगूठी भी। वाओ, बहुत अच्छी है। कितने पैसे लगाए थे तुमने? यही कोई 5-6 करोड़ पे। आपने बाहर गाड़ी देखी है? हाँ। वो भी इसी प्रॉफिट से ली है, लेटेस्ट मॉडल है। अरे भाई, ये तो बड़ा अच्छा काम। आपकी सोच है, इतना मुनाफा इस काम में, अच्छे अच्छों के दिन फिर जाते हैं। अब तुम दोनों बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी। मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है नवेरा। मेरा मतलब है, मैं लंदन जा रहा हूं और वहां से अपना बिजनेस शुरू करूंगा। वहीं से दोबारा बिजनेस शुरू करूंगा, कुछ मीटिंग्स वगैरह भी हैं, और वापसी में ज़ायदा और रिदा को लेकर आऊंगा। नवेरा, तुम मेरी बेटी नहीं, बेटा। तुमने टूटे हुए हारे हुए बाप को तब सहारा दिया जब सारी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया। मेरा बेटा मुझे बर्बाद करता चला गया, बर्बाद करता चला गया। और मेरी बेटी ने बेटा बनकर मेरे साथ खड़े होकर एक बार फिर इस काबिल कर दिया कि मैं दुनिया का मुकाबला कर सकूं। बेटा, अगर तुम इन हालात में मेरी हिम्मत न बनती तो मैं सड़क पे आ जाता। आज फख्र है मुझे तुम पर, नाज कि तुम नवेरा ताहिर मेरी बेटी। ये तो बेटा हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटियां शाद व आबाद रहें। माँ, हम तो अपना हंसता बसता घर खुद बर्बाद करके चली गई, और रिदा अपनी जिंदगी से रोज हारती जा रही है। बेटा, तुम ताबर को समझने की गलती कर रही। आपके कहने पर उसे एक मौका और दे दो, आगे तुम्हारी मर्जी। और हाँ, मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कह रहा। आपकी इल्तिजा समझ लो।
पापा, क्या मैं आपके जाने तक आपके साथ रह सकती हूँ? दावर, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे।